लखीमपुर खीरी में सामुदायिक केंद्र की इमारत को बने हुए 9 साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की दूसरी मंजिल पर जाने के लिए आज तक सीढ़ियां नहीं बनाई गई। स्वास्थ्य केंद्र की इमारत के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन इमारत स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई, लेकिन अस्पताल में ना तो सीढ़ियां मौजूद थी ना ही कोई रैंप। ऐसे में सवाल ये है कि स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीज दूसरी मंजिल पर कैसे जाएंगे। 9 साल से अस्पताल का एक फ्लोर खाली पड़ा है, उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा कि वहां पर आज तक एक सीढ़ी नहीं बन पाई है। क्या 9 साल में सीढ़ी बनाने के लिए बजट नहीं मिला या मामला कुछ और है? बड़े सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। 9 साल बीत गए सीढ़ी के इंतजार में, लेकिन आज तक वहां पर सीढ़ी नहीं बनी है। यहां पर आप देख सकते हैं 2014 में यहां पर अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया था। मोहम्मद आजम खान जो माननीय मंत्री संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री थे, यहां पर 28 जनवरी 2014 को मंगलवार को संपन्न हुआ था। 2 मंजिल इमारत तो खड़ी हो गई, भव्य ये बिल्डिंग भी बन गई स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन यहाँ पर 2 मंजिल जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है। हालांकि उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने 2018 में इसको जो है स्वास्थ्य महकमे को हैंडओवर करा दिया था, गया था। तब से अस्पताल लगातार तो चल रहा है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है। अब ये सीढ़ी क्यों नहीं है, किस तरीके से गबन हुआ, स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही रही या जो इंजीनियर थे उस समय जिन्होंने काम किया था उनके गबन से ये जो है सीढ़ियाँ नहीं बनी। अब देखने वाली बात होगी सीढ़ियाँ कब तक तैयार होती हैं। नवीन अवस्थी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुल बेहद का ये पूरा मामला साल 2014 में ये बनकर तैयार हुआ। सेकंड फ्लोर पर 4 कमरे यहां बनाए गए, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी लेकिन नहीं बनाई गई। साल 2018 में बिल्डिंग को हैंडओवर भी कर दिया गया, साल 2020 में अस्पताल के अंदर इंटरलॉकिंग भी कर दी गई। 9 साल से 4 कमरों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, सीढ़ी ना होने की वजह से 1 फ्लोर का इस्तेमाल नहीं हो रखा है। क्या 9 साल में सीढ़ी बनाने के लिए बजट नहीं मिला, ये सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। किसकी लापरवाही से अब तक वहाँ सीढ़ी नहीं बन सकी? अस्पताल में आखिरकार सीढ़ी कब बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। 9 साल बीत चुके हैं, अभी तक सीढ़ी वहां पर नहीं बनी है। 1 फ्लोर जो सीढ़ी की वजह से अब तक उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है, खाली वहां पर पड़ी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं आखिरकार किसकी लापरवाही इसके पीछे। हम खड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलबेड़ में खड़े हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर आप तस्वीरें देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीढ़ी की दीवारें बनी हैं, देख सकते हैं, और जो कि जीना बनना था ऊपर तक 2 मंजिल के लिए, लेकिन यहाँ पर अब ये किसका गबन है या किस तरीके से छूट गया है, किस तरीके से अभी बात भी अंदर करेंगे। पूरी दिखा सकते हैं बिल्डिंग स्वास्थ्य केंद्र के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूल भी बना हुआ है, और ये 2014 में इसका लोकार्पण हुआ था, बना हुआ था मुलायम अखिलेश सरकार में, और अब तक सीढ़ी नहीं बनी है। ऊपर 4-5 कमरे भी बने हुए हैं जिसमें अब ऊपर आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ के डॉक्टर बता रहे थे कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर भी सीढ़ी हम लगा के हम लोग चले जाते हैं, देखाते हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ कि कहीं पर कोई सीढ़ी नहीं बनी है। अब ये किस तरीके से छूटा है या इंजीनियर या स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही है या गबन है, अभी बात करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ लोकल रहते हैं, ये सीढ़ी नहीं बनी यहाँ पर? सीढ़ी सर नहीं बनी है। कैसे, क्यों रह गई? काम चल रहा है फिर बीच में छोड़ देना, पता नहीं क्या हुआ। अब क्या तो चीज़ उनसे नॉलेज हुई पाई, मान लो हमका तो पता नहीं है, हम तो अपना यहाँ मरीज लेके आए ना, अपन रात भर रुक ना चले गए। आप लोग तो लोकल के हैं लेकिन देखते तो होंगे। वो तो सही बात है, जो चीज़ है सामने है, बना नहीं है। इस मामले को लेकर एबीपी गंगा की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अमितेश द्विवेदी से बातचीत की और समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी शशांक यादव से पूछा कि आखिर में सीढ़ी बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, किसकी लापरवाही है। जब मैं आया था ये ऑलमोस्ट बन के तैयार थी, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उस समय बनी हुई थी। मैं 2017 में यहाँ पे ज्वाइन किया था और 2018 जनवरी में मेरे को ये हैंडओवर हुई थी। जब डीएम साहब ने कहा कि इसको आंशिक रूप में इसका सर्वे करा के और कहा कि भूमतल तैयार है, इसको आप हैंडओवर ले लीजिए, तो मैंने हैंडओवर लिया था। हम ऊपर नहीं जाते, या तो सीढ़ी लगाते हैं, अगर टंकी तक जाना होता है सफाई करने के लिए तो सीढ़ी लगवाते हैं। और वहाँ पर और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। वो रैम्प मूलतः इसलिए था कि ऊपर जाने के लिए पेशेंट्स को आसानी हो जाती, और रैम्प के बिना ऊपर की जो मंजिल है उसका पूरा उपयोग नहीं संभव है।
तो इन परिस्थितियों में हम तो आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मांग भी करेंगे कि सरकार जहाँ कहीं देरी कर रही है उसको किसी न किसी तरीके से, तमाम बजट पास कर चुके हैं तब से, और जो कि एंड में 2016 में आके इसका उद्घाटन भी होने की स्थिति आई थी और रैम खाली रह गया था, अधूरा निर्माण पड़ा है। वो जिस चीज़ को खोद के निकाल लाएगी पाताल से खोद के ले आएगी, अगर चाहे अगर गवर्नर या कोई इस तरह की स्थिति है, ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही और साथ में ये कि भाई सपा के टाइम का है तो इसलिए उसको प्राथमिकता की सूची में नहीं है, बस प्राथमिकताओं का अंतर है। तो भ्रष्टाचार के इस खेल में एबीपी गंगा के बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अस्पताल में सीढ़ी क्यों नहीं है, 9 साल में बजट नहीं मिला, किसकी वजह से सीढ़ी बच्चे बनाने में देरी हुई है, ये बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, क्या सीढ़ी बनाने के लिए 9 साल में बजट नहीं मिला, ये बड़े सवाल उठते हैं। और तीसरा सवाल ये कि किसकी वजह से सीढ़ी बनाने में यहां पर देरी हुई है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। चौथा सवाल जो खड़ा होता है, सीढ़ी ना होने से किसका नुकसान यहां पर हो रहा है। और पांचवा बड़ा सवाल, अस्पताल में ये सीढ़ी कब बनेगी, आखिरकार सीढ़ी कब बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 9 साल बीत चुकी है और अभी तक सीढ़ी यहां पर नहीं बनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।